मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके राज्य में हो क्या रहा है? आपकी सरकार के खिलाफ आप ही के विधायक थकार के धरने पर बैठ गए हैं। विधायक का कहना है, हम अपने वादे ही नहीं निभा पा रहे हैं, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। कमलनाथ जी, इन इशारों को समझिए और हवा से जमीन पर आ जाइए। कहीं ऐसा ना हो जिन विधायकों के सहारे आपकी सरकार चल रही है, वही विधायक आपका दामन छोड़कर किसी और को अपना नेता ना चुन ले। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके राज में जनता की हालत खराब है, ये सभी जानते हैं, लेकिन आपके राज में विधायक और मंत्रियों की भी हालत खराब है, ये कोई मानने को तैयार नहीं होता था। लेकिन अब आपकी कार्यप्रणाली से कांग्रेस के भीतर ही भीतर आपके खिलाफ माहौल बन रहा है। अलग अलग गुटों में बटे कांग्रेसी भी ये कहने लगे हैं कि आपकी सरकार राम भरोसे चल रही है, काम कुछ हो नहीं रहे, माफियाओं के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या मंत्री, क्या विधायक, सब खून के आंसू रो रहे हैं। अब ग्वालियर के विधायक मुन्ना लाल गोयल को ही ले लें, उनकी माने तो आपके पास समय ही नहीं है। गोयल ने आपको पत्र भी लिखा, लेकिन आपने विधायक को तवज्जो देना ही उचित नहीं समझा। कमलनाथ जी, आप ये बात भूल गए हैं कि आप इन्हीं विधायकों के दम से मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी, आप भले ही हमने ये किया, हमने वो किया कहकर अपनी पीठ खुद थपथपाते रहें, लेकिन मुन्ना लाल गोयल जैसे विधायकों का रुख तो ये बताता है आपकी सरकार विधायकों की कसौटी पर भी खरी नहीं है। विधायक मुन्ना लाल गोयल आपकी सरकार के खिलाफ विधानसभा के पास धरने पर बैठ गए। मुन्ना लाल भूमिहीनों को पट्टा नहीं मिलने से अपनी ही सरकार से खासे नाराज है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 1200 भूमिहीन लोग हैं जिन्हें पट्टा देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। विधायक का कहना है, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भूमिहीनों को पट्टा देने का वादा किया था। 6 महीने पहले जब विधानसभा में क्वेश्चन लगा चुका हूं, विधानसभा में ध्यान प्रस्ताव के माध्यम से मेरी बात रखा चुका हूं, और सरकार ने और मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पट्टे मिल जाएंगे, नहीं मिले हैं। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया कि विधानसभा क्षेत्र के गरीबों को पट्टे दिए जाएं, ये वचन पत्र में है, पट्टे नहीं मिले हैं। इसलिए मजबूर होकर मैं धरने के माध्यम से उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वचन पत्र में ये बात शामिल है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वचन पत्र के मुताबिक प्रदेश के चाहे गरीब हों चाहे मेरे विधानसभा के गरीब हों, उन गरीब भूमिहीनों को पट्टे देने का काम सरकार करे। कमलनाथ जी, ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे में आप अपनी सरकार की उपलब्धियां सर्च लाइट लेकर ढूंढने जाएंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। विधायक मुन्ना लाल गोयल सिंधिया खेमे के मुखर विधायक हैं, इसीलिए वे आपसे सीधे सीधे संवाद कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विधायक और मुख्यमंत्री के बीच में संवादहीनता हमेशा बनी रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप जनता के बीच जाते नहीं हैं। विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायकों को आप समय नहीं देते, तो फिर सरकार आप किसके कहने से चला रहे हैं? कमलनाथ जी, आपके लोगों ने ही आपकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आपने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह और हरदीप सिंह डंग ने आपको आईना दिखा दिया। गाडरवारा से कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल को तो मंच से आपके सिस्टम को कोसना पड़ा, और उन्होंने कहा रेत उत्खनन पर सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। ऐसे में मुन्ना लाल गोयल का सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना यह बताता है कि पहले साल में आपकी सरकार जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं कर पाई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक,
झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।